सरकारी शिक्षा प्रणाली पे इतना बड़ा प्रहार, ये गरीब के अधिकारों पे प्रहार है। हम संकल्प लेते हैं 6 महीने में 5,000 स्कूल बंद कराने वाली ये खट्टर सरकार जाएगी और हरियाणा के अंदर बेस्तरीय सरकारी स्कूल दोबारा से खुले। हमारे समय 2200 स्कूल खुले थे 10 साल में। बाकी कोई भी सरकार रही हो हरियाणा में, हमेशा स्कूल किसी भी पार्टी की रही हो, स्कूलों के संख्या में इजाफा हुआ था। पहली सरकार है जिन्होंने 5,000 स्कूल बंद कर दिए। आज मैं कहना, और या तो पद समाप्त कर रहे हैं सरकारी या कच्चों में परिवर्तित, जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने कहा कौशल निगम के माध्यम से, जिसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बैकडोर से संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से कहीं करते हैं, कहीं कच्ची नौकरी में, जो कौशल निगम जैसी कच्ची नौकरियों में, जिसमें कहीं आरक्षण का प्रावधान नहीं किया करने का काम किया गया हो। आज इनको ये भी कहना चाहते हैं 6 महीने में नए साल में संकल्प ले रहे हैं, 6 महीने में हरियाणा में नई सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कच्ची नौकरी वाले कौशल निगम को भंग किया जाएगा, 2 लाख पक्की नौकरी एक कलम से निकलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी, जिसमें हर वर्ग को, चाहे वो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, चाहे बैकवर्ड वर्ग के हमारे भाई हैं, हर वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ जो है भर्ती निकालने का हम काम करेंगे हरियाणा के अंदर। आपको याद होगा जब हमारी सरकार, मैं पूछना चाहता हूं आज अभी बात करी प्रदीप जी ने, एक बात करी कि एक भी यूनिवर्सिटी में हरियाणा में कोई एक वाइस चांसलर 10 साल में खट्टर सरकार में, कोई गरीब का बेटा, कोई दलित समाज का, कोई एक भी वाइस चांसलर लगाने का काम नहीं। आज हरियाणा में कोई चांस है, और हमारी जब सरकार थी 3-3 यूनिवर्सिटी, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात रही हो, मगर केवल वाइस चांसलर तक बात सीमित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपकी इतनी सरकार है, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुझे गर्व है इस बात का, उत्तर भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से अगर विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम कहीं किया गया तो सोनीपत में हुड्डा साहब के कलम से, कांग्रेस पार्टी के कलम से हमारे समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उस समय बनी। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा की किसी सरकार ने, पूछना चाहते हैं हम इनसे, देश में कई जगह आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, कई जगह आपकी सरकारें रही हैं, आप उदाहरण आप भी बताएं, एक भी जगह बाबा साहब के नाम से इन्होंने संविधान दिया हो, क्या एक भी जगह कोई विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए था? हम पूछना चाहते हैं, आपकी बहुत सरकारें रही। आज आपको और हमको मिलके ये लड़ाई लड़नी है, देश में इस तरह की, देश में ताकतें देश पे काबिज हुई हैं संविधान की रक्षा करने के लिए। और सही बात है, उस संविधान, बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना, मुझे गर्व है इस बात का कि जो मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणवीर सिंह जी, उस संविधान निर्माती सभा के एक सदस्य के रूप में उनके भी हस्ताक्षर उस देश के संविधान पे, उनके हस्ताक्षर भी वहीं पे अंकित हैं। और हम ये संकल्प ले रहे हैं कि संविधान को और चुनौती भी देना चाहते हैं, ये